इतना महंगा फोन मेरे हाथ लग गया। ओए भिखारी, ये मेरा आईफोन दे, ये मेरा आईफोन गिरा हुआ था यहाँ पे। आप पक्का झूठ बोल रही हो, पर मैं ये आपको दे सकता हूँ। हाँ हाँ तो देना फिर। मुझे इसके बदले ना आपसे कुछ चाहिए। मैंने ना आज तक किसी लड़की को छुआ नहीं है। मैं ना आपसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आईफोन आपको दे दूंगा। हाँ हाँ कर ले। थैंक यू मैडम। इतना महंगा फोन मेरे हाथ लग गया, आज तो मजा ही आ गया। ओए भिखारी, ये मेरा आईफोन दे, ये मेरा आईफोन गिरा हुआ था यहाँ पे। ये तुम्हारा फोन है? ये तुम्हारा फोन कैसे हो सकता है? ये तो मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला है। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानने वाला। रुक, मैं अभी तेरी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ, तब तू आईफोन वापस करेगा। अरे नहीं मैडम, आप पुलिस में फोन मत करो, ये आईफोन आपका है ना? हाँ। सच में ना? तो लो मैडम, आप इसका लॉक खोलो। अब ये लॉक कहाँ से खोलूं? पासवर्ड ही तो मैं भूल गई, मैं लॉक ही तो खुलवाने जा रही थी। नहीं मैडम, ये फोन आपका नहीं है, आप पक्का झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई बात नहीं मैडम, पर मैं ये आपको दे सकता हूँ। हाँ हाँ तो देना फिर। पर ना एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे इसके बदले ना आपसे कुछ चाहिए। हाँ बता क्या चाहिए। मैंने ना आज तक किसी लड़की को छुआ नहीं है। मैं ना आपको एक बार छूना चाहता हूँ। मैं ना आपसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं आईफोन आपको दे दूंगा। साला एक तो पता नहीं कब से ना आया भी नहीं है, पर आईफोन के लिए तो करना ही पड़ेगा यार, क्या करूँ? क्या हुआ मैडम, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं ला, आईफोन दे पहले। लो मैडम, अब कर लूँ मैं हक? हाँ हाँ कर ले। थैंक यू मैडम। वाह रुचिका वाह। अरे हिमांशु तुम, आज तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ ही गई कि तुम अपने शौक पूरे करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। नहीं हिमांशु तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्या गलत समझ रहा हूँ रुचिका, मैंने अपनी आंखों से देखा है और रिकॉर्ड भी कर लिया है। ये कोई भिखारी नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। जब तुम अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था। अरे यार तुझे तो पता है ना हिमांशु कितना कंजूस है, वो नहीं दिलाने वाला मुझे आईफोन। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे नया बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा, वो मुझे दिला देगा आईफोन। और वैसे भी एक महीने उसे डेट करूंगी और आईफोन ले लूंगी, आईफोन तो मिल ही जाएगा ना, उसके बाद कर लूंगी ब्रेकअप। क्या पता चल रहा है हिमांशु को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि तुम ऐसा सब कर सकती हो, तब मैंने इसको ये सब बताया। अरे भाई बता, तूने ऐसे अचानक मेरे को यहाँ पे बुलाया? हाँ भाई, वो ना मैं बहुत टेंशन में हूँ आजकल। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? यार कुछ ठीक ही तो नहीं है, मैंने ना रुचिका को फ़ोन पे बात करते हुए सुना और उसकी बातों से मुझे लगा कि वो शायद गोल्ड डिगर है। मतलब भाई मैं कुछ समझा नहीं। मतलब भाई मुझे ना ऐसा लगता है कि वो पैसों के लिए ना कुछ भी कर सकती है। मैं ना तेरी हालत समझ सकता हूँ, मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे पता चल जाएगा कि तू जैसा भाभी के बारे में सोच रहा है वो सब सही है या गलत। पर जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा वैसा सुन। पर थैंक यू करण, आज तेरी वजह से इसकी सच्चाई तो सामने आई। तुम जैसी लड़की की वजह से बेचारे सीधे सारे लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, और जो तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते और तुम इस हद तक गिर जाते हो। आई एम सॉरी हिमांशु, मुझे माफ़ कर दो, वो मेरी सारी फ्रेंडों के पास आईफोन है और मैं भी आज लालच में आ गई। रुचिका मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला,
आज फोन के लालच में तुमने इसे हक किया। कल को तुम्हें कोई अमीर लड़का मिल जाएगा तो तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी और उसे शादी कर लोगी। इससे बेहतर तो ये होगा कि रिश्ता आज ही खत्म हो जाए। आज के बाद मुझसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना। गुड बाय। मानसी मेरी बात तो सुनो और लाओ ये आईफोन।